Here we have a question. Kabir has made a greeting card whose area is 100 square centimeter and perimeter is 40 centimeter. We have to find its length and breadth. अब यहाँ पे एरिया भी गिवन है और पेरीमीटर भी गिवन है और हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है. सो इसको हम करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से, जस्ट गेस करके कि कैसे. सो वी नो कि एल और बी, ये जो दोनों हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 100 आना चाहिए और दोनों को ऐड करके और उसका डबल करके 40 आना चाहिए. सो सबसे पहले हम लेते हैं पेरीमीटर वाला. ओके, अगर इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, इट मींस ये चारों साइड का सम 40 है. तो अगर हम ये वाली दो साइड्स का सम निकाल दें, सिर्फ इन दोनों का लें, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, 40 को 2 से डिवाइड करके, तो ये हमारा आया 20 सेंटीमीटर. जब हमने 40 को 2 से डिवाइड किया, ये 20 सेंटीमीटर आया. इट मींस अब एल प्लस बी, जो आपका लेंथ और ब्रेथ है, ये 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पेरीमीटर 40 है, रेक्टेंगल है ये, और इसका 40 का हाफ क्या है, 20. सो इट मींस कोई दो नंबर्स जिनको ऐड करें और 20 आए, तो वो क्या हो सकते हैं, वो 1 से लेके 1, 2, 3 एंड सो ऑन 19 तक, ठीक है, 18, 19 एंड सो ऑन. तो अगर हम 1 और 19 को ऐड करते हैं तब 20 आता है, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 नहीं आ रहा. तो हमने ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं इस पूरी लिस्ट में 1 से लेके 19 तक, जिनको ऐड करके 20 आए और उनको मल्टीप्लाई करके 100 आए, ठीक है. तो क्योंकि इनका एरिया क्या है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो जब हम ये पूरा फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें हमारे पेयर्स क्या बन रहे हैं, 1 एंड 19, ये वाले दोनों, या फिर 2 एंड 18, या फिर 3 एंड 17, या फिर 4 एंड 16, 5 एंड 15, देन 6 एंड 14, देन 7 एंड 13, देन 8 एंड 12, और 9 एंड 11, और 10 एंड 10. हाँ, ये वाले सारे हमारे पेयर बन रहे हैं जिनका सम करके देखें तो 20 आ रहा है. यानी इसमें से एल 1 या बी 19 हो सकता है, एल 2 या बी 18 हो सकता है. बट अब इसमें से सिर्फ यही एक नंबर का पेयर ऐसा है, लेंथ और ब्रेड्थ, जिनको प्लस करके तो 20 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है. 10 + 10 इज इक्वल टू 20 एंड 10 × 10 इज इक्वल टू 100. सो यही हमारे दोनों लेंथ और ब्रेड्थ हैं. सो एल इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स ये जो हमारा शेप है, ये एक स्क्वायर है, बोथ आर 10 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हमें ये फाइंड करना है, ठीक है.